हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास ग्रुप फोर असिस्टेंट ग्रेड थ्री स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 में हुआ था दोस्तों, उसकी यहां पर हम क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं। ये 28 जुलाई 2018 का पेपर है जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था 9 बजे से। तो यहां पर हम ग्रुप फोर के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली इस प्लेलिस्ट में आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी, बेसिक मैथ कहिए जनरल मैथ कहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बहुत ही बेहतरीन कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है देयर आर सम फ्रेंड्स आर लेस देन 20 इयर्स, मतलब कुछ दोस्त हैं जिनकी एज 20 से कम है। व्हेन पेयर्ड अमंगस देमसेल्व्स दे रियलाइज दैट द सम ऑफ द एजेस इज मल्टीपल ऑफ 5 इफ देयर एजेस आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो उनकी एज है वो क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं और सबकी सब एज 20 से कम है। तो सबसे पहले 20 से कम वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये इतनी अभाज्य संख्याएं होती है। और कह रहा है कि इनकी जो दो, कोई भी दो दोस्त हैं उनकी जो एज का योग आ रहा है, जो सम आ रहा है, वो 5 का मल्टीप्लायर है, 5 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 5 है। तो आपको बताना है कि टोटल पेयर्स कितने बनेंगे, आपको बताना है टोटल पेयर्स के हैं कितने बनेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना है कि टोटल पेयर्स आपको कितने बनेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। हाँ, ये देखिए एग्जैक्टली पेपर का क्वेश्चन आपके सामने, जो पेपर में प्रेजेंट कर रहा हूं, देयर आर सम फ्रेंड्स ऑल लेस देन 20 इयर्स व्हेन पेयर अमंग्स देमसेल्व्स दे रियलाइज दैट द सम ऑफ देयर एजेस इज मल्टीपल ऑफ 5 इफ देयर एजेस आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। आपको बताना है कि इसकी पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे, टोटल संभव युग्मों की संख्या कितनी बनेगी। हिंदी में आप लोग पढ़िए, मैं इंग्लिश में ज्यादा कवर कराऊंगा, जहां दिक्कत होगी बताऊंगा भी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि जो एजेस हैं वो क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब कह रहा है इनका सम जो है 5 का मल्टीप्लाई, 5 का गुणज होना चाहिए। तो भाई 5 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 5 यानी 5 एकम 5, 10, 15, 20, 25, 30 30 तक ही जा सकता है, क्योंकि है ना, 30 के आगे आप 35 लिख भी लो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 19 में अगर आप अभाज्य संख्या 17 जोड़ोगे है ना, तो 9, 7, 16, 35 भी कर सकते थे है ना। तो ये अपने पास में नंबर है, इतने नंबर अपने पास आ सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं आप, 35 तक आपका क्या जाना चाहिए, योग, योग जो है 35 तक जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि किन किन जोड़ियों में जो योग है वो 5 का गुणज होता है। तो देखिए सबसे पहली जोड़ी बनेगी 2 और 3 की, क्योंकि 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहली जोड़ी बन गई 2, 3। ओके, 2, 3 5 हो जाएगा। फिर 10 की तलाश करो, 5 और किसी में तो बन नहीं रहा है, फिर 10 की तलाश करते, तो 10 किस में बनेगा, 3 में और 7 में है ना। देखिए 10 जो बनेगा वो किस में बनेगा, 3 में और 7 में, तो 3, 7 10 बनेगा 3, 7 में, ठीक ना। फिर 15 आपको बनाना है, तो 15 देखिए किस में बन जाएगा, 15 आपका किस में बनेगा, सोचो जरा, 15 आपका बनेगा 2 में और 13 में है ना, 2, 13 इसमें आपका 15 बन जाएगा, 2, 13 बन जाएगा, तो 15 भी बन गया। और किसी में 15, 11, 4, 15 होता है, बट 4 तो है नहीं है ना, और सोचो, यस 2, 13 हो गया, काफ़ी है। अब इसके बाद देखिए 20, तो 20 किस में बनेगा, सोचो 20 किस में बनेगा, तो 20 बनेगा 3 में और 17 में या 17 में 3 में है ना, ये लिख दिया था मैंने, सॉरी, हाँ 3 में 17 में ये था। और 20 किस में बनेगा, 20 बनेगा 13, 7 में, ठीक ना। 20 के बाद सोचो और क्या है भाई, 15 हो गया ना अपना, हाँ 15 भी हो चुका है, 7 और 3, 10 भी हो चुका है, और सोचिए अब क्या बनने वाला है, अब सोचिए 25, तो 25 किसी से निकल करके नहीं आ रहा है, ओके, क्योंकि 25 के लिए हमारे पास कोई 13 के साथ 12, 17 के साथ 8, 19 के साथ 25 बनाने के लिए 9, 6, 15, 6 कोई नहीं है, तो 25 तो बनने वाला है नहीं। अब 30 पे सोचो, तो 30 पे क्या बनेगा, 30 पे बनेगा 11, 19 ये बन जाएगा, 30, 11, 19 पे 30 बन जाएगा, और 17, 13 इतने पे 30 बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, कितनी जोड़ियां बन रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब टोटल हमारे पास 7 जोड़े बन रहे हैं जो कि योग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 का गुणज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 7, और देखते हैं बिल्कुल सही करेक्ट आंसर 7 भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 35 पीपल 23 लाइक कॉफी 24 लाइक
टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ ड्रिंक देन हाउ मेनी लाइक बोथ पाई। बहुत बढ़िया बात है, टोटल 35 चीज़ें हैं जिसमें से कितने लोग लाइक करते हैं कॉफ़ी, 24 लोग। तो कुछ ऐसे हालत होंगे ये देखो। ओके सो कैसा फार्मूला इसका क्या होता है, एन कॉफ़ी यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन कॉफ़ी प्लस एन टी टी माइनस एन कॉफी इंटरसेक्शन टी, ये फार्मूला लगता है इसमें, है ना। तो एक समूह में भाई 35 लोग का एक समूह है और कुछ ना कुछ हर कोई है ना कह रहा है कि इफ एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन, कह रहा है कि हर लोग पी रहे हैं, मतलब कुल पीने वाले कितने हो गए, 35 हो गए। अब कॉफी वाले कितने, 23, और टी वाले कितने, 24। माइनस इसको जो है ये कॉफ़ी टी दोनों पीने वाले कितना मान लो, एक्स मान लो, तो 23 और 24 कितना, 4 और 3 7, और ये हो गया 47, और ये हो गया 35 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, 47 माइनस 35, ओके कितना हो गया, 47 में से 35 माइनस जाने दो भाई, 7 में से 5 गए दो, 4 3 1, तो कितने हो गए, 12। तो आंसर हो गया नंबर 1। ओके कितने लोग दोनों कॉफ़ी पसंद करते हैं, 12, चाय कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले 12 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 6 एंड द नंबर एंड इट्स फ्लिप बोथ मल्टीपल ऑफ 3, इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 36 देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड नंबर एंड इट्स फ्लिप। देखो भाई काफी सारी जानकारी दी है इस क्वेश्चन में, आराम आराम से करना पड़ेगा। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 6, मतलब कि कोई नंबर है मेरे पास दो डिजिट का नंबर है। अब दो डिजिट के नंबर को क्या लिखा जाता है, दो डिजिट का नंबर अगर आपके पास में होता है तो इसको मैं लिखता हूँ 10x plus y, दो डिजिट का नंबर। इस डिजिट का इकाई का अंक यानी कि जो यूनिट प्लेस होता है वो y होता है, ये नंबर आपको ऐसे लिखेगा xy दिखेगा, मतलब इसका जो इकाई का अंक है, यूनिट का अंक है वो y है, और जो दहाई का अंक है वो क्या है, 10 है। अच्छी बात है, कह रहा है दो अंक वाली संख्या के अंकों का योग 6 है, तो पहली कंडीशन तो दे दी जनाब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6। ओके द डिजिट सम ऑफ द नंबर इज 6, ठीक है ना। ओके इसका अंकों का योग कितना है, 6 है, संख्या व उसका फ्लिप दोनों 3 के गुणज है, ठीक है। कह रहा है कि संख्या व उसका फ्लिप, मतलब कि संख्या को पलटने पर दोनों ही 3 के गुणज है, मतलब कि या तो 10x प्लस y ले लो या 10y प्लस x ले लो, ये दोनों ही किसके गुणज है, 3 के गुणज है, दोनों ही 3 के गुणज है, और उनके बीच का अंतर 36 है। बहुत बढ़िया, उनके बीच का अंतर कितना है, 36 है। तो आपको बताना है कौन सी इनमें से कौन सी संख्या है और उसका फ्लिप है, ठीक है। तो देखिए दो इक्वेशन, पहली चीज तो दे दी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरी चीज यहां पर यह बात दे रही है कि उनके बीच का अंतर 36 है, तो यहां से अपना जो क्वेश्चन है बनना शुरू हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जगह मैं बना लेता हूं। चलो जी, क्वेश्चन को हम ले आए हैं। ओके अब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो तो एक इक्वेशन तो हमें दे दी गई है, पहली वाली क्या इक्वेशन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, पहली वाली जो इक्वेशन हमें दी गई है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये पहली वाली इक्वेशन है, नंबर 1 दे दो उसको, ठीक ना। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर 36 है, पहली वाली और दूसरी वाली। तो पहली वाली संख्या किस रूप में लिखी जाएगी, 10x प्लस वाई, और दूसरी वाली संख्या कैसे लिखी जाएगी, 10y प्लस एक्स पलटने पर, और इनके बीच का अंतर कितना दिया है, 36 है ना। तो चलो हल कर लेते हैं, तो 10x प्लस वाई और माइनस 10y माइनस का x इक्वल टू 36, क्योंकि उसने माइनस करने को कहा था तो मैंने माइनस कर दिया भाई, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो 10x में से x माइनस होगा तो कितना बन गया, 9x, और y में से 10y होगा तो कितना, माइनस का 9y इक्वल टू 36। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 36, 9 चार बार जाएगा कैंसिल कर देगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। समीकरण बोलते हैं ना हिंदी में, समीकरण नंबर 2 इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। सो ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब भाई साहब आइए क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। x प्लस वाई 6 है, x माइनस वाई 4 है, x प्लस वाई हमारे पास क्या है, 6 है, और x माइनस वाई क्या हमारे पास, 4 है। चलिए हल कर दो, दोनों को जोड़ दो तो 2x, और ये हो गया इक्वल टू 6 और 4 10, मतलब x का मान कितना आ गया, 5, 10 बटे 2
यानी कि 5। अब y का मान निकालते हैं। अब y का मान निकालता हूं मैं, तो y कैसे निकलेगा, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो y बराबर 6 माइनस x, और x आपका कितना आया है 5, तो 6 में से 5 गए 1, मतलब जो संख्या आ गई आपकी, जो अंक आए हैं आपके, अंक आपके अंक क्या आए हैं, अंक आया है x बराबर 5 और y बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 5, y बराबर 1, तो आपकी एक संख्या जो बनेगी, मैंने बताया था, मैंने जो संख्या ली थी आपकी शुरुआत में क्या ली थी, एक्स वाई ली थी, x और y, ओके, x y दिखती थी, तो दहाई का अंक बन गया है 5, इकाई का अंक बन गया है 1, तो एक संख्या तो अपने पास बन रही है 51, है ना, 51 ये बन रही है, और इसको पलट दोगे तो y आगे हो जाएगा, x पीछे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, 15 बन जाएगी, 15 बन जाएगी, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन 51 और 15, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर कर लिया है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, उसके बाद 3 भी कर लिया, 1 किया था क्या भाई, एक मिनट, हाँ 1 कर लिया ना, ये आयु वाला क्वेश्चन, पेयर बनाने वाला, फिर उसके बाद समूह वाला कर लिया, फिर उसके बाद दो अंकों की संख्या अभी अभी करा। अब आ गए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 पे, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 110 एंड द नंबर आर रेशियो 2:7, फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर, सम ऑफ द टू नंबर, बहुत बढ़िया भाई, देखो कह रहा दो होल नंबर हैं, उनकी योग जो है 110 है और उनका रेशियो जो है 2:7 है, तो एक काम करो, जब इनका अनुपात दिया गया है, रेशियो यानी अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया 2:7, तो पहली संख्या मान लो 2 के और दूसरी संख्या मान लो 7 के, क्यों, क्योंकि इनका अनुपात कितना है, 2:7 है, ठीक है, तो संख्या 2 के और 7 के हो गई। अब कह रहा है कि इनके बीच का अंतर जो है 110 है, है ना, 2 के और 7 के बीच का अंतर जो है 110 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 7 के और माइनस 2 के इक्वल टू कितना हो गया 110। अभी थोड़ा दिमाग आपको खुद से लगाना है कि 7 के माइनस 2 के, क्योंकि बड़ी 7 के होगी ना और 2 के छोटी होगी, 7 दिख रहा है 110, तो यही 5 के बराबर कितना हो गया 110, तो के बराबर कितना हो गया 22, 110 में 5 का भाग चला गया, जानते हो गए ना भाई साहब, के इक्वल टू 110 बटे 5 यानी 22 पंचे 110, तो के का मान आ गया 22, ओके 22 आ गया। अब संख्याएं ज्ञात कर लो भाई, के कितना आ चुका है, 22 आ चुका है, तो संख्या पहली क्या है 2 के यानी 2 गुणे 22 बोले तो 44, और दूसरी संख्या क्या है 7 के मतलब 7 गुणे 22 यानी कितना 154 होता है ना, करके देख लो, 7 × 2 = 14 और 7 × 14 = 15, बिल्कुल सही 114। अब कह रहा है इनका योग बताना है, तो चलो 154 में आप 44 जोड़ दो, तो 4 × 4 = 8 + 5 = 9 = 198, तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही भयंकर वाला 198 क्वेश्चन, चलो भाई बहुत बढ़िया बात। इफ द एलसीएम, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 288 है और उनका अनुपात 4/9 है, तो आपको बताना है कि उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा। देखो भाई दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कितना दिया है 288 और अनुपात 4:9 है, तो सबसे पहले मैं संख्या मान लेता हूं, संख्या एक मान लेता हूं 4 के और दूसरी मान लेता हूं 9 के, ठीक है ना, और क्या कह रहा है कि 4 के और 9 के का जो एलसीएम है 288 है, तो चलो निकाल लेते हैं देर किस बात की, 4 के और 9 के का एलसीएम, 4 के और 9 के का जो एलसीएम है वो कितना है आपके पास में, ये निकाल लो, तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 2 के बार, है ना, ये तो जाएगा ही नहीं 9 के, फिर ये कितने से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, तो 2 टाइम्स ये के बचा, फिर यहाँ पे 9 के, फिर अपन क्या करते हैं के से ही डाल देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 1, ये हो गया 9, और फाइनली कितना हो जाएगा 9, फाइनली कितना हो जाएगा 9, ओके, तो कुल मिला के आंसर देख लो, 4 के और 9 के कैल्शियम कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 9 = 36 के, और जो बच्चे समझदार हैं वो समझ रहे होंगे ये दोनों क्या है, को प्राइम है, को प्राइम में तो सीधा सीधा जो होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 36 के आ गया, और कह रहे लघुत्तम कितना है 288 है, तो 36 के बराबर कितना हो गया 288, तो के का मान कितना हो गया भाई साहब, के का मान हो गया हमारे पास 288/36, है ना, तो 36 288 काटो, मेरे ख्याल से टेबल में 8 बार आ जाना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ मैं, 36 × 8
आठ गुणे छः अड़तालीस की आठ हासिल आई चार, आठ तीन चौबीस, चार अट्ठाईस, बिल्कुल सही। तो मतलब ये आठ बार इससे जाएगा, तो के का मान कितना हो गया आठ। अब के का मान आठ हो गया तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक है फोर के और एक है नाइन के, तो चार गुणे आठ, फोर के की वैल्यू आठ है ना भाई साहब, तो चार गुणे आठ कितना हो गया बत्तीस, और नाइन के यानी नौ गुणे आठ यानी कि कितना हो गया बहत्तर। अब आपको 32 और 72 का क्या चाहिए, महत्तम चाहिए, तो 32 लिख लो यहाँ, 72 लिख लो यहाँ, और महत्तम निकालो, तो भाई दो से जान दो, तो दो से 16 बार, दो से कितने बार, तीन बार, छः और छः बार ये हो गया, फिर दो से जान दो, तो दो से आठ बार और दो से 18 बार, फिर दो से जान दो, चार बार, ओके, और कितने बार यहाँ पे, नौ बार, बस हो गया। अब नहीं जाएगा क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, महत्तम निकाल रहे हो, तो तब तक निकालना है जब तक सब में जाता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 2 × 2 × 2 हो गया इसका आंसर, 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 हो गया। सो HCF आपसे मांगा गया था, HCF यानी कि महत्तम, तो HCF कितना होगा आपके पास में, 8 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 8 भी आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ओके, क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है ये, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। इसके पहले भी जो क्वेश्चन थे ये भी आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी दो संख्याओं के, ये भी ऐसे क्लास 9th 7th तक का क्वेश्चन है। तो बेसिक मैथ्स आती है एकदम जो आप लोगों ने सॉल्व किया। ओ भाई साहब ये तो देखो कितना लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्या ही तो महा लड्डू है। तो 5x - 7 = 12, तो 5x = 7 उधर जाएगा, 12 × 7 = 19 हो जाएगा, और x = 19/5, तो यार 5 × 3 = 15 होता है ना, और 5 × 4 = 20 होता है, तो 3 point something आ जाएगा आंसर, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, 3.8। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, समीकरण नहीं है, देखो ध्यान से है ना, मतलब कौन सा रैखिक समीकरण। भाई रैखिक समीकरण की पहचान क्या होती है, इसमें x की पावर 1 होती है, y की पावर 1 होती है, रैखिक समीकरण नहीं है, है ना। हम देखते हैं कौन सा रैखिक समीकरण नहीं, तो ये देखो भाई साहब, इसने यहाँ पर आतंक मचा दिया पहले वाले ने, इसको यदि आप हल करोगे तो ये 2x है, और ये 3x की पावर कितना हो जाएगा, -1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी के नीचे अगर x है तो वो ऊपर आके x की पावर -1 बनता है, तो ये जो होगा रैखिक समीकरण नहीं होगा, तो पहला वाला ही गलत हो गया। कह रहा कौन सा नहीं है, आंसर फर्स्ट वाला ही गलत हो गया, मैं तो आगे देखूंगा ही नहीं, ये देखो पहला वाला ही गलत हो गया, फर्स्ट वाला ही गलत हो गया। चलो ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द गिवन सीरीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, तो भाई साहब यहाँ पे 16 आएगा, है ना, 2 × 2 की बात हो रही, तो 16 आ जाएगा बड़े आराम से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, x² - 3x - 10 के गुणनखंड, कक्षा 9 का क्वेश्चन है, प्रश्न भी 9वां क्रमांक है, x² - 3x - 10, तो चलो भाई हल कर लो x² - 3x - 10, तो कैसे बुद्धि लगाते हैं हम, कि गुणा करने पर -10 आए, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या चाहिए है, -10, और जोड़ने घटाने पर आपको क्या चाहिए, -3। ओके, सोचो जरा ऐसे दो नंबर कि जिनमें मल्टीप्लाई करने पर -10 आए और जोड़ने घटाने पर -3 आए, ठीक है ना, तो 5 और 3 है दो नंबर, तो x² - 5x + 2x, 5 और 2 माफ कीजिएगा, और -10, बस इतना लग गया आइडिया। जिन लोगों ने गुणनखंड किया वो लोग उड़ा के कर देंगे, जो नहीं करें भैया प्रैक्टिस करो, ये तो मैं पेपर करा रहा हूँ तो इतना पेपर में तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ना, मैं तो क्वेश्चन आंसर सिखा रहा हूँ। x - 5, तो ये हो गया x - 5 और ये हो गया x + 2, तो 2 गुणनखंड होगा x - 5x + 2, करेक्ट हो गया आंसर, नंबर 9th का हो गया 2। देखते हैं 9th का सेकंड नंबर x - 5x + 2, बिल्कुल सही है भाई साहब, एकदम सही, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, डन। लीजिए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 240/1024, पूछा जा रहा है कि 240/1024 का सरलतम रूप क्या है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सरलतम रूप पूछा गया है कि इसको कैसे करेंगे, 240/1024 का सरलतम रूप। देखिए 240 क्या होता है, तो 240 मतलब 28 × 4 × 10, ओके, और 1024 मालूम है आपको क्या होता है, 1024 का मतलब होता है, 1024 का मतलब होता है 2 की घात 10, यानी 2 की पावर 10, यानी 2 × 10 मल्टीप्लाई। तो क्या कर सकते हैं हम इसको खोल ही सकते हैं, और तो हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं, तो हम इसको ओपन करते हैं। देखो 2 2 2, फिर 2 2 2, और फिर कितना 2 2 और 2, ये तो 9 बार हो गया, और एक 10 बार ये लिख दिया, ओके। अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ गुणनखंड कर दो 24 का, तब समझ में आ जाएगा। तो 2 से 12 बार, 2 से 6 बार,
दो से तीन बार, तीन से एक बार, मतलब दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन, ये हो गया 24, और गुणे दो गुणे पाँच 10। ओके, कितने दो हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये 10 टोटल। ऊपर से एक दो तीन चार, चार दो कैंसिल कर दो, ये चार दो कैंसिल हो गए। नीचे कितने दो बच गए? छः दो, मतलब दो की घात छः, दो की घात छः कितना होता है? 64। और ऊपर तीन गुणे पाँच बच गया तो कितना हो गया? 15। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 15/64। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 15/64 इसका आंसर है, वेरी सिंपल। आइए जी देखते हैं क्या कह रहा है कि 0.002 का बार लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा, डेसिमल है। आप कहोगे सर जीरो तो लगा नहीं था, भैया दशमलव नहीं रहता तब भी जीरो लगा लिया करो, उससे दिखने लगता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है इसका तुल्य मान बताना है आपको, 0.002 के तुल्य मान आपको बताना है, ये बार लगा हुआ है, ठीक ना। तो इसका तुल्य मान बताने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसको कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इसकी ट्रिक होती है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मेथड से कोई मतलब नहीं है आपको, आपको ट्रिक सीखो। इसकी ट्रिक होती है, हम लोग मालूम क्या करने जा रहे हैं, ये कहलाता अशांत दशमलव, ठीक ना, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, ये रिपीटिंग रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और हमको इसको बदलना है किसमें? फ्रैक्शन में। तो बेटा कुछ नहीं, इसमें जो सिंगल टू है उसको लिख लो टू, और जितने दशमलव के बाद डिजिट हैं उतने नौ लगा दो, तो नौ नौ नौ। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक दो तीन, तो तीन अंक का नौ लगा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2/999, बिल्कुल सही, 2/999। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस, ओके द वैल्यू ऑफ दिस, 24 का क्यूब माइनस 18 का क्यूब और -6 का क्यूब। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है दोस्तों, वो होता है 3ABC। ये कब होता है? ये तब होता है जिस समय ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो जीरो होता है, उस समय ही होता है फॉर्मूला। तो ध्यान से यहाँ देखो, ए कितना है, ए यहाँ पे है 24, बी कितना है माइनस का 18, और सी कितना है माइनस का 6। जरा जोड़ करके देखो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फिट बैठ गई बात, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 3ABC। चलो तो मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × a, ए की जगह कितना है भाई साहब अपना 24, बी की जगह कितना है माइनस 18, और सी की जगह कितना है 6, माइनस का 6, ठीक है ना। तीनों मल्टीप्लाई में है, तो भैया देखो कितना होगा, 24 × 3 हो गया 72, और 18 × 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 108। अब सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, क्या किया जाए? तो मल्टीप्लाई कर लो, और क्या, 72 × 108 कर लो, ठीक है ना, 72 × 108। तो कर लीजिए, तो 2 × 8 = 16, तो 6 सब में आ रहा है, चलो कर लेता हूँ भाई, है ना, 72 × 108 कर लेता हूँ मैं आपको, मैं कैलकुलेटर से बता देता हूँ, 72 × 72 × 108 इक्वल करो, देखो 7776 करेक्ट आंसर आ रहा है, 7776, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और है भी करेक्ट 7776। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम बच्चों टाइप वाला क्वेश्चन। ए दिया है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 × 3 × 5 की पावर 3, बी दिया है कितना, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, और सी कितना दिया है, सी है जो वो है 3 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 7, और आपसे पूछा गया है इनका HCF। तो HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है और सबसे छोटी पावर। तो देखिए यहाँ पर 2 की सबसे छोटी पावर जो तीनों में कॉमन है वो कोई नहीं है, क्योंकि तीसरे में तो 2 है ही नहीं है, है ना, क्योंकि पहले में तो 2 की पावर 4 है, दूसरे में 2 की पावर 3 है, तीसरे में 2 नहीं है, तो कुछ नहीं, 2 की पावर कुछ नहीं आएगा। फिर अगले में ये 3 की पावर 1 है, फिर यहाँ पे भी 3 नहीं है, और यहाँ पे भी 3 है, तो इसमें भी 3 से कुछ नहीं आएगा। अब देख लो, 5 की पावर 3 5 की पावर 2 5 की पावर 2, तो HCF कितना आएगा, 5 की पावर 2, यानी कि 25। देखो HCF का मतलब होता है जब तीनों में हो और कॉमन हो, तो देखो यहाँ से सबसे छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 2, इसमें भी क्या मिल जाएगा आपको, 5 की पावर 2, इसमें भी क्या मिल जाएगा, 5 की पावर 2, मतलब सबसे छोटी पावर्स आपको निकालनी है, सबसे छोटी घात निकालनी है। तो इसका आंसर कितना होगा, 25 होगा ना, सिंपल एकदम, यस। ये देखो अब कह रहा है निम्न को अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन फ्रैक्शन को संभाल लो, देख लो कहीं 3 × 3/4, यानी 3 × 12/4, 3 × 12 = 15/4 है ये, ठीक है ना। फिर क्या भाई साहब, ये 14/3 है, फिर क्या ये 11/2 है, और ये 5 है,
और ये क्या है 20/7 है, 20/7 है। अब कह रहा है इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में, सबसे बड़े से लेके सबसे छोटा। तो एक तो ये है कि आप इसको भाग भी देके कर सकते हो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा डिवाइड करने से भी, है ना। चलो कर लेते हैं, थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। 15/4, 4×16 यानी कि ये 3 point something आएगा। ये 14/3 यानी 4×3 = 12, ये भी 3 point something आएगा। 12/11 ये तो 0 point something हो गया। 5 तो सबसे बड़ा ही हो गया। और 20/7 यानी कि 7×2 = 14 और 7×3 = 21 मतलब कि ये 2 point something आएगा। अब देखो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन अपन को क्लियर दिख रहा है, सबसे बड़ा होगा 5। अवरोही क्रम में बोल रहा ना, सबसे बड़ा 5 होगा। अच्छा एक 20/7 भी है, 20/7 भी है। निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। और 2/11 भी है। ओहो, 2/11 गलत कर दिया था मैंने, 2 11/2 माफ कीजिएगा, 2/11 नहीं 11/2 गलती लिख दिया था मैंने। तो 2 × 5 = 10 और 5 के ऊपर तो 11/2 तो सबसे बड़ा है। तो देखिए ऑप्शन में 11/2 ये है और ये है, फिर उसके बाद 5 भी सही है। अब देखो 14/3 और ये कितना है 3 सही, 3/4 एक है 14/3 और 3×12 12×3 = 15/4। इन दोनों में देखना है कौन सा बड़ा है। बस यदि हमको ये पता चल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं क्या करो। एक काम करो, इस नीचे 4 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा, ऊपर भी 4 का गुणा और इसमें कितना 3 का गुणा। तो 4×14 = 56/12 और 15×3 = 45/12। तो दोनों के हर समान है तो कौन बड़ा हो गया, 56/12 मतलब कि 14/3 बड़ा है। ओके यस, ये जो है बड़ा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ये देख लो बिल्कुल सही है, 11/2 सबसे बड़ा, फिर 5। फिर देखो आपको आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका आंसर मैच हो चुका है। अच्छा मैच हो चुका है तो ये यूजलेस हो गया, आपको केवल बस इतना ही करना था। तो इतना आपका आंसर आ चुका है, डन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आगे बढ़ने के पहले एक बात बोलूंगा कि इसको करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसको एलसीएम लघुत्तम लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं, बट आप ये देखो कि आपका समय बचना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने सबसे बड़ा नंबर आपका 11/2 दिख रहा है तो सबसे आगे वो हो गया, है ना, 11/2। अब 11/2 देखो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, तो ये कैंसिल हो गए, है ना। बचे क्या, दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में एक 5 है, 5 दोनों में है। अब इसके बाद 3 सही, 3/4 और 14/3 तो दोनों में मैंने निकाल लिया, तो जो अपना 14/3 है वो ज्यादा आ रहा है, तो ठीक है आंसर नंबर 1 हो गया। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आर से आर में। ओके क्लास 12th का क्वेश्चन आ गया ये, मैथ का क्लास 12th का। तो लेट ऑफ आर टू आर डिफाइंड बाई द फंक्शन f(x)(4^3) तो फॉफ एक्स बोला गया है। तो थोड़ी सी पढ़ाई तो मतलब करके जानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का छूट गया होगा। फॉफ एक्स मतलब होता है f(f)x, ठीक है ना। तो क्या ऐसे करेंगे, देखो भाई फंक्शन f(x) तो सबसे पहले f पे अप्लाई करना है क्या, x^4 1/3। चलो अब कैसे अप्लाई होगा, देखो x^4 1/3 f(x) है, मतलब कुल मिला के क्या है f(x)^4/3 है ना, x^4/3 है। अब चलो इसको अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। तो f में जहां x है वहां पर 4/3 रखना है, तो कैसे बन जाएगा ये, x की जगह 4/3 और होल पावर 4/3। तो बहुत ही सिंपल हो गया आंसर, x^16/9 आ गया है। तो क्योंकि क्यों रूल होता है, x^m^n का फॉर्मूला होता है x^m(n), है ना। तो पहले क्या था, x क्या था, x^4/3 और x^4/3 आपने किस में पुट करा, x^4/3 में। तो x की जगह रखा x^4/3 और ऊपर से पावर कितनी है 4/3, मतलब आप इसको देखिए कंफ्यूज मत हो, ये जो क्वेश्चन है ना इसको सिंपल x^4/3 मानो तो ज्यादा इजी लगेगा आपको। तो क्वेश्चन x^4/3 है और फॉफ बनाया तो ये बन गया x^16/9। अभी भी अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो मत कोशिश करो, क्योंकि जो क्लास 12th में मैथ्स लिए हैं उनके लायक ये क्वेश्चन है, आपके लायक नहीं है क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत कोशिश करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है 9p² + 49sq² - 42pq का मान बताइए जब p 15 q 3 है। तो देखो जरा ये क्या है, ये 9p² है माइनस 42pq
इंटू 49 प्लस 49 क्यू स्क्वायर। तो देखो पहले क्या है, 9p क्या है, ये 3p का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या है, ये 7q का होल स्क्वायर। तो माइनस एक काम करो, 2 इंटू 3p इंटू 7q, देखो क्या स्ट्रक्चर बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 3 7 7 7 49, बिल्कुल सही। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3p माइनस 7q का होल स्क्वायर। चलो p की वैल्यू रख दो, तो p की वैल्यू 15 है, तो 15 गुणे 3 कितना हो गया 45, क्योंकि वैल्यू q 3 है, तो 7 3 या 21 का होल स्क्वायर। तो 45 में से 21 गए, कितना आएगा भाई साहब, मेरे ख्याल से 4 और 2 24, और 24 का स्क्वायर करना है, तो कितना आ गया आंसर 576, 576 होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 16 डन। 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर 73 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4, कह रहा कितने डेसिमल प्लेस में टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डेसिमल प्लेस में टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप ये देखो कि यहां पर कितने जीरो बनेंगे भाई, ऊपर से तो 2 और 5 कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो नीचे अपने पास जो है सेम पावर 2 और मतलब हाईएस्ट पावर, देखो आप हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 5 है। ओके, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 5 है। तो ट्रिक यही होता है कि इसमें 5 जीरो के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, जो 2 की या 5 की हाईएस्ट पावर, मतलब ज्यादातर पावर आप देखो जिसकी ज्यादा पावर है। तो यहां पर 2 की पावर 5 है, तो आंसर 5 जीरो, 5 डेसिमल के बाद ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, कितने के बाद, 5 डेसिमल के बाद ये जो है एट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5, कितना होगा इसका आंसर 5, देख लीजिए। अब सॉल्व कैसे करता हूं मैं उसको बता देता हूं, देखो 73 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 है, ठीक है ना, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 है। तो आपको करना क्या है, 10 बनाना है, 10, तो नीचे 2 की पावर 5 है, मतलब 2 के 5 जोड़े हैं और 5 के 4 जोड़े हैं, तो 5 के भी 5 जोड़े करने पड़ेंगे। तो 1 5 का ऊपर गुणा करो, 1 5 का नीचे गुणा कर दो, फायदा क्या होगा इससे, 73 इंटू 5 और नीचे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, तो 73 इंटू 5 और ये हो गया कितना, 10 की पावर 5। तो इसको यदि खोलोगे तो 1 2 3 4 5 जीरो बनेंगे, तो जब इसको आप टर्मिनेट करोगे, दशमलव हटाओगे, तो 1 2 3 4 5, मतलब दशमलव के बाद कितने डिजिट के पहले दशमलव लगेगा, 5 डिजिट के पहले आपका दशमलव है ना, मतलब दशमलव जो होगा 5 डिजिट के दशमिक प्रसार, दशमलव के कितने स्थान बाद समाप्त होगा, आंसर 5 स्थान बाद, दशमलव के 5 स्थान बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल है यार, सीधे आप ये देखा करो कि कभी भी कोई क्वेश्चन आया तो देखा करो कि 2 की पावर में से और 5 की पावर में से किसकी पावर ज्यादा है, वही उत्तर है, जिसकी पावर ज्यादा है। तो 2 की पावर 5 ज्यादा है, तो कितनी है पावर, 5, तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं आपको कि जैसे मान लो 19 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9। अब मैं आपसे बोलूंगा कितने दशमलव के बाद ये एंड हो जाएगा, तो आंसर 9, क्योंकि ज्यादा पावर कौन सी है, 9, बस खत्म हो गया आंसर। तो दोस्तों ये था आपका मैथ्स का सलूशन, कैसा लगा आपको जरूर बताइए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, बाकी भी करेंगे, जीके करवाएंगे आपको, जनरल एप्टीट्यूड भी करवाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडीज़ ऑन, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।